जय माता की। सभी भक्तों को कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो है सुरक्षित ही होंगे और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा बनी हुई है। ऐसा ऐसी हमेशा आप सभी के लिए कामना दिल से रहती है। तो आज आप सभी के प्यार से और माँ के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी जो है मतलब एक से अधिक देवी देवताओं के प्रति देखते हो या पूजते हो, पूजने का मन करता है, घर में बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, बहुत सारी जो है मंदिर में अलग अलग तरह के देवी देवता रखे हुए हैं, तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है? मैं आपको सारी जानकारी दूंगी इस वीडियो में, आपको सब चीज़ें बताऊंगी कि अगर आप एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा जो है डिस्टरबेंस हो सकती है या कितना ज़्यादा जो है दोष लग सकता है, घर में जो है अशांति हो सकती है, तो फिर आपको ही नुकसान होता है उस चीज़ का या फिर लाभ होता है, क्या होता है? अंत तक बने रहिए तभी आपको सारी जानकारी मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। और आज मैं आपको बहुत ही गहराई से जानकारी देने वाली हूं कि अगर आप भी एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पहली बात तो ये होती है भटके हुए को कभी भी किनारा नहीं मिलता है। जो लोग जो है भटक जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, दर बदर की ठोकरें खाते हैं और फिर अंत में अपने घर ही आते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं ये वीडियो बना के लेके आई हूँ। कभी भी भटकना नहीं चाहिए। भटकने वाले का मतलब ये होता है, मान लीजिए हम जो है जंगल में अचानक से हम जो है फंस जाते हैं। हमने मूवी सीरियल्स में भी देखते हैं, मूवियों में भी देखते हैं, टीवियों में भी देखते हैं कि क्या होता है कि एक बंदा जो है कहीं पे यात्रा में जा रहा होता है और वो अचानक ही जंगल में फंस जाता है और उसको कहीं भी पता नहीं चलता, घनघोर जंगल है और जंगल में उसको रास्ता नहीं पता चलता है। फिर वो क्या करता है, एक ना वो होता है हमारा दिशा चक्र होता है, दिशा निर्देशक जिसको बोलते हैं, उससे हम दिशा को देखते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो फिर वो क्या है, एक वो एक हमारा भगवान है, उससे हम पहचान सकते हैं या वो इंडिकेटर देता है उस तरफ को हम जाते हैं। अगर हमारे पास वो भी ना हो और हम फिर क्या करते हैं, उसी जगह पे राउंड 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 घूमते रहते हैं और फिर वहीं पे ही घूमते रहते हैं, तो क्या होता है कि जब हम भगवान की एक से अधिक भगवानों की पूजा करेंगे, माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, साईं बाबा की भी पूजा करेंगे, बालाजी महाराज की भी पूजा करेंगे, शंकर भगवान की भी पूजा करेंगे, माँ लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे, गणपति जो तो सर्वप्रथम होते ही हैं, गणपति की तो हर हर घर में पूजा होती है और सभी देवी देवताओं के साथ पूजा होती है, और फिर जो है हम मतलब तरह तरह के जैसे देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखेंगे, शंकर भगवान की अलग अलग मूर्तियाँ रख देंगे, शिवलिंग रख लेंगे, और फिर बालाजी महाराज की भी जैसे पंचमुखी रूप की मूर्ति रख लेंगे या सिंदूरी मूर्ति रख लेंगे, माँ दुर्गा की भी रख लेंगे, माँ लक्ष्मी की भी मूर्ति रखेंगे, और जो है हम माँ काली की भी मूर्ति रख लेते हैं, तो ये मूर्तियाँ फिर हमें क्या करती हैं, हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं किस किस का नाम लें, कैसे कैसे लें और क्या क्या करें। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमें जो है एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, आराध्य एक, इष्ट एक, एक ही गुरु, वही हमें भव से पार उतारते हैं। जब हमारे मन में जो जो मतलब हमारे मन में समाए हुए हैं उन्हीं की ही हमें जो है मूर्ति या पूजा पाठ करनी चाहिए। जब हम जिस जैसे कि मैंने आपको जंगल का उदाहरण दिया, जब हम फंस जाते हैं तो एक दिशा निर्देशक जो होता है वो एक ही होता है, अगर हम चार पांच लेके बैठेंगे तो वो हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे, वो हमें वहीं पे बिचलाए रखेंगे। ऐसे ही जब हम एक ही भगवान की पूजा दिन रात करेंगे तो वो भगवान हमारी हर दुख में, हर सुख में, हर तरह से जो है मदद भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे। कहते हैं कि दूत बनकर आ जाते हैं, जब भगवान के भक्त मुसीबत में हो जाते हैं तो उनके कभी ना कहीं से अदृश्य रूप में कोई ऐसी शक्ति भी आके खड़ी हो जाती है जो उनकी स्वयं रक्षा करती है। तो ऐसी ही रक्षा पाने के लिए जो है हमें एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, एक ही आराध्य होना चाहिए, एक ही इष्ट होना चाहिए और एक ही गुरु होने चाहिए हमारे। जगह जगह तरह तरह के गुरु बनाओगे, जगह जगह तरह तरह की पूजा करोगे, जगह जगह की चौकियों पे जाओगे, जगह जगह भगवान जी की मूर्तियाँ, जैसे हम खाटू श्याम जाते हैं तो वहाँ से भी मूर्ति ले आते हैं, और फिर हम जाते हैं सालासर बालाजी वहाँ से भी मूर्ति ले आते हैं, या हम वृंदावन जाते हैं ठाकुर जी महाराज की मूर्ति ले आते हैं,
ये गलत होता है। इससे से जो है हम उन मूर्तियों का दोष भी लेते हैं, उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। भगवान जी की, भगवान एक है, रूप अनेक है, पर रूप जो होता है वो हमें एक ही पूजना चाहिए, जिस रूप के लिए हमें जो है रोना आए, जिस रूप के लिए हमारा मन जो है इमोशंस जागे, जिस रूप को देखकर हमारी रूह जो है वो अंदर से ही जागृत हो जाए, अपने आप ही भाव उत्पन्न होने लग जाए और आंखों में आंसू और दिल में श्रद्धा जाग जाए, ऐसी ही मूर्ति और ऐसी ही भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। इसमें मैं आपको पर्टिकुलर कोई एक भगवान की नहीं कह रही हूँ कि एक ही भगवान को मानिए, जिनके लिए आपका मन धड़कता है, दिल धड़कता है, जिनके लिए आपको लगता है कि मेरे यही आराध्य हैं, यही इष्ट हैं, उन्हीं को ही आपने मानना चाहिए और जो है उन्हीं की ही भक्ति करनी चाहिए। भक्ति जो है हमारी रंग जरूर लाती है जब हम एक ही भगवान को पूजते हैं, जैसे कि प्रहलाद ने एक ही भगवान को पूजा और जो है मीरा माई ने भी एक ही भगवान को पूजा, तभी उनकी लाज बचाई और जो है विष का प्याला पिला दिया था तब भी वो जीवित रहीं। तो इस तरह से हमें एक ही भगवान की पूजा हमेशा करनी चाहिए, एक ही आराध्य, एक ही इष्ट और एक ही गुरु होना चाहिए। मैंने इसकी शायद पहले भी वीडियो बनाई हुई है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लंबी नहीं वीडियो बनाई, ये मैं आपको बेसिक जानकारी के लिए वीडियो बना रही हूँ कि अगर आपने भी तरह तरह की मूर्तियाँ अपने मंदिर में रखी हुई हैं तो उसका दोष जो है आपको ही लगेगा, आप ही के परिवार को लगेगा, दरिद्रता आती है, घर में सुख शांति खत्म होती है, घर में कोई भी, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं या फिर जब हम जो है परेशान होते हैं तो हमें एक ही आय माँ ए माँ ए माँ ऐसे ही निकलता है। तो यही हमारा होना चाहिए कि माँ एक ही होती है, बाप भी एक ही होता है, तो तरह तरह के माँ बाप नहीं बनते हैं और अलग अलग माँ बाप हमारी रक्षा करने भी नहीं आते हैं। तो ये बात बहुत बड़ी मायने रखती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी ही वीडियो हर रोज़ पहुँचा सकूँ। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी रही होगी। जय माता।